अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के मसले पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें पहुंचे कर्मचारी नेता की राय छात्र संगठनों से कुछ हटकर दिखी। जो शुरू में फीस स्ट्रक्चर रखे थे, फीस बनी थी, जो एक बात कही कि कोई डिपार्टमेंट भी खुलता था तो सीधे तय होता था कि एक प्रोफेसर, दो रीडर, तीन लेक्चरर, इतने क्लर्क, इतने पीएल, इतने लैब टेंडेंट, दिस विल बी द कंपोजिशन ऑफ द डिपार्टमेंट, दिस विल बी द फीस स्ट्रक्चर, नो बॉडी अपोज्ड। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नरेंद्र अवस्थी ने फीस बढ़ोतरी के फैसले को जायज ठहराया। हासिल से कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट करें और उसमें जो लोग चुन के आए हैं उसमें जो पहली प्रेफरेंस अगर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आए और उसके बाद दूसरे विश्वविद्यालय अपनी चॉइस के हिसाब से जाए, तो इस प्रतियोगिता के युग में हमें अगर कंपीट करना है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, उनके बराबर आना है, तो हमें ऐसी सुविधाएं अपने संस्थानों में देनी पड़ेगी, चाहे वो सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी यूनिवर्सिटी है। उधर एवीपी भी छात्र समुदाय के साथ खड़ी नजर आ रही है। तभी छात्र संगठन के नेता फीस बढ़ाने के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन के द्वारा एकदम फीस में बढ़ोतरी की गई है, एकदम 10 गुना फीस में बढ़ोतरी की गई है, ये कहाँ तक सही है, ये तर्कसंगत है या नहीं, इस विषय पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ विश्वविद्यालय में हम करवाने जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद का यही मानना है कि जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एकदम स्टूडेंट्स की जेबों पर डाका डालने का एक काम जो किया गया, एकदम 10 गुना फीस की बढ़ोतरी जो की गई है, तो इसको विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट।